हेलो गाइस, वेलकम टू बीएफटी फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे फेयरब्रेक इन्विटेशनल T20 का पहला सेमीफाइनल जो कि शाम 5:30 बजे होगा। टॉस गाइस इसका होगा 5 बजे। मैच होगा गाइस स्प्रेड वुमेन्स वर्सेस फाल्कन वुमेन्स के बीच में। इस वीडियो में गाइस आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल चीज़ें बताई जाएंगी। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस आपको बता दें कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो। हम रिसेंटली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे वो मिनी ग्रैंड लीग्स हो, आप जाके देख सकते हो। और अभी एक वीकेंड का ऑफर भी है, वो भी आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। बात करते हैं गाइस इस मैच की। तो देखो पॉइंट्स, आज है पहला सेमीफाइनल, आज दो सेमीफाइनल होंगे, एक 9:30 बजे भी मैच होगा, उसकी वीडियो भी आपको इसी के ऊपर मिल जाएगी। दोनों में से जो टीम निकल के आगे जाएंगी वो कल का प्लेऑफ्स खेलेंगी। बात करते हैं गाइस पॉइंट्स टेबल की। तो सबसे पहले देखो स्पिरिट वुमेन ने 5 मैच खेले जिसमें से 4 जीते हैं। स्पिरिट है नंबर 1 टीम बिकॉज इसमें है सोफी एक्लिस्टन जो कि रन बनाने ही नहीं देती है। फाल्कन वुमेन ने भी 5 खेले हैं, सिर्फ 2 मैच जीते हैं। लास्ट 2 इवनिंग मैचेस गाइस, ये वाला मैच क्योंकि इवनिंग में होगा 5:30 बजे, तो इसलिए लास्ट 2 इवनिंग मैच में यहाँ पर क्या हुआ है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैच में देखो, यानी पहली इनिंग में शाम के वाले मैच में क्या होता है, राइट आर्म ऑब्रिक्स मेरे को मिले थे 7 विकेट लास्ट के 2 मैच में, और राइट आर्म मीडियम को मिले थे 3 विकेट पहली इनिंग में। वहीं दूसरी इनिंग में देखो शाम के मैचेस में क्या होता है, लेफ्ट आर्म मीडियम को मिले थे 2 विकेट, राइट आर्म मीडियम को मिले थे 1 विकेट और लेग स्पिनर को मिला था 2 विकेट। यानी जो लास्ट 2 इवनिंग के मैचेस हुए उनमें शाम को चेजिंग यहाँ पर हो जाती है ऑलमोस्ट। और आज जैसी टीम है सामने स्पिरिट वुमेन्स, तो आप समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है ये, स्पेशली बॉलिंग के उस पर देखा जाए तो सामने वाली टीम को रन ही नहीं बनाने देती है। बात करते हैं यहाँ से स्पिरिट का प्लेइंग 11 क्या रहेगा। लास्ट मैच के अकॉर्डिंग देखो सारा प्राइस ओपनिंग करती है नटागन चैंगडम के साथ। सोफिया डंकली देखेंगी लेग स्पिनर है, बिस्मा मरूफ, निकोला कैरी राइट आर्म मीडियम, सोफिया क्लिस्टन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, राय भूषणम राइट आर्म ऑफ्रिक स्पिनर है, 2 ओवर 3 ओवर कन्फर्म है इनके। यस्मिन दसवानी देखेंगी, खाका देखेंगी राइट आर्म मीडियम, बहुत क्लासिक बॉलर है, छाया मुगल राइट आर्म मीडियम, फतुमा के बासु राइट आर्म मीडियम, ये भी 2 ही ओवर डालती हैं मोस्टली, और बैटी चंद राइट आर्म ऑफ्रिक स्पिनर है। बात करते हैं इस फाल्कन्स की, तो यहाँ से फाल्कन्स का देखो क्या हो सकता है। चमारिया तपतु ओपनिंग करती है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, श्रीलंका की प्लेयर है, काफ़ी शानदार हिटर है, बॉलर बॉलिंग भी करती है। डेनी वेट इंग्लैंड की प्लेयर है, बहुत शानदार हिटर है। सूजी बेट्स इस टीम की कैप्टन है और सूजी बेट्स को आप सब जानते होंगे। उसके बाद नानापट कोचा रिंकू देखेंगी, तीर्था सतीश ये भी बैटिंग से सही कर रही हैं, बस थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता है इनका। मरी गोयल देखेंगी राइट आर्म मीडियम है, काफ़ी यंग प्लेयर है, लास्ट मैच में अच्छे टच में थी लेकिन रन आउट हो गई थी सूजी बेट्स की वजह से ही। जहाँ पर आलम राइट आर्म मीडियम बहुत शानदार बॉलर, काई अरुआ लेफ्ट आर्म चाइना मेन, अंजू ब्रून लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, सोनरी टिपोच राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, लास्ट 2 मैच से अच्छे टच में, मरीना लैम्पलॉक राइट आर्म मीडियम है, क्रिस्टिना गोव लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, गुंजन शुक्ला लेफ्ट आर्म फास्ट है। ये गाइस इनका प्लेइंग 11 हो सकता है। बात करते हैं स्पिरिट वुमेन्स जब इस वेन्यू के ऊपर खेलती हैं, तो देखो इसी सीजन क्या किया है, इसी वेन्यू के ऊपर इसी सीरीज में सारा प्राइस भी 7 किया है, फिर 26 किया, फिर 6 किया, फिर 21 किया, फिर यहाँ पे 39 किया है। तो कह सकते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस है जब जब मौका मिला है। नटागम चैंटम ने देखो पहले मैच में 21 किया, फिर 25 किया, 3 किया, 72 किया, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गई थी। मतलब हर मैच में हमने इनको बैक किया है, इस वजह से जो सेकेंड लास्ट मैच था जहाँ पर इन्होंने 72 किया था वहाँ पर हम बहुत ईजिली जीते थे अच्छे खासे डिफरेंस से। सोफिया डंकली वन ऑफ द बेस्ट हिटर और बॉलिंग भी करा रही हैं, बॉलिंग की वजह से थोड़ा सा बैटिंग पे इम्पैक्ट हो रहा है इनकी बिकॉज ये अदर मैचेस में इतनी बॉलिंग नहीं कराती थी, यहाँ पर फुल 4 ओवर डाल रही है, इस वजह से इनका बैटिंग पे परफॉर्मेंस दिख रहा है, इफेक्ट हो रहा है। वो पहले मैच में 8 किया फिर 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 51 किया 0 विकेट, फिर उसके बाद 2 किया 1 विकेट निकाला, फिर 8 रन किए यहाँ पर, और लास्ट के मैच में 26 किया वो 2 विकेट निकाले। तो कह सकते हैं अगर बैटिंग से पॉइंट नहीं देंगी तो आपको बॉलिंग से पॉइंट देके ही जाएंगी। बात करते हैं बिस्मा मरूफ की, तो एक डिसेंट बैटर है, मैं काफ़ी टाइम से आपसे कहता हूँ, पाकिस्तान की कैप्टन है और काफ़ी कूल बैटर है। पहले मैच में 5 किया फिर 19 किया, 40 किया, 18 किया, 23 किया, यानी मतलब बहुत ही लोएस्ट परफॉर्मेंस भी रहती है, मोस्टली नॉट आउट भी रहती हैं, सीनियर प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर। निकोला कैरी देखो पहले मैच में 2 किया फिर 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 19 करके 1 विकेट निकाला, फिर उसके पहले 70 करके विकेटलेस रही, लास्ट मैच में सेकेंड लास्ट मैच में यहाँ पर 18 नॉट आउट रही, और लास्ट के मैच में यहाँ पर फिर से 53 किया और 1 विकेट 1 ओवर डाला सॉरी। सोफी एक्लिस्टन देखो वर्ल्ड की नंबर 1 बॉलर हैं, ये T20 फॉर्मेट हो या ODI फॉर्मेट हो, ODI में पहले से थी, अब इस परफॉर्मेंस के बाद इस सीज़न के बाद यहाँ से T20 की भी नंबर 1 बॉलर होने वाली है।
पहले मैच में 5 रन किए, 3 विकेट निकाले, फिर 1 विकेट किया, फिर 20 रन करके 2 विकेट निकाले, फिर 22 नॉट आउट रही और 2 विकेट निकाले, और लास्ट के मैच में यहाँ पर 5 विकेट निकाले हैं इन्होंने। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। और सोफी एक्लिस्टन अगर आप यहाँ से देखें तो स्प्रिट का तरफ से सोफी एक्लिस्टन ज़्यादा नीचे नहीं है, अगर 2-3 विकेट गिरते हैं तो सोफी एक्लिस्टन आराम से यहाँ पर आ जाती हैं बैटिंग करने भी, और बैटिंग से भी अच्छा खासा देखे आपको जाती हैं। नटाया बूस्टम की बात करते हैं, पहले मैच में 2 रन किया, 2 ओवर डाला, विकेटलेस रही, फिर उसके बाद खिलाया नहीं गया, फिर 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाला, और लास्ट के मैच में यहाँ पर 1 विकेट निकाला हुआ है। यस्मीन दसवानी का कोई रोल नहीं था, 1 मैच इन्होंने खेला है। खाका का देखो, पहले मैच में 6 किया, फिर 1 विकेट लिया, सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा, जब सेट हो गई तो यहाँ पर 5 विकेट निकाले एक ही मैच में, फिर उसके बाद वाले मैच में यहाँ पर 2 विकेट निकाले, तो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है खाका का। और खाका ऐसी प्लेयर है जिसको आप अपनी टीम में से मिस कर ही नहीं सकते हो। छाया मुगल ने देखो पहले मैच में 2 विकेट निकाले, दूसरे मैच में विकेटलेस रही। फतेमा किवासू का देखो रोल, पहले मैच में 2 ओवर डाल के विकेटलेस, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला। जीके दिव्या राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है जो 1 विकेट निकाला है। शिजुका मियाजी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, 2 विकेट निकाला हुआ है इन्होंने। बात करते हैं इस फाल्कोंस की, तो इस वेन्यू के ऊपर फाल्कोंस का परफॉर्मेंस देखो, चमारी अतापतु एक डिफॉल्ट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की भी पिक आपके लिए अच्छी है। 107 किया पहले मैच में, 3 ओवर डाले, दूसरे मैच में 42 करके 1 विकेट निकाला, फिर उसके बाद फिर से 42 करके 1 विकेट निकाला, फिर 30 करके 1 विकेट निकाला, और फिर 20 रन किए हैं। तो मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस ही है अभी तक हर मैच में बैक टू बैक। डैनी वेड देखो, पहले मैच में 76 किया, फिर 2 मैच इनके बिगड़े, 3 किया, 11 किया, लास्ट के मैच में 32 रन यहाँ पर किए हैं। कह सकते हैं कि अच्छी खासी पिक है आपके लिए। सूजी बेट्स ने गाइस 2-3 मैच खेले हैं, तो 1 में 25 किया था, 1 में 20 किया था, और लास्ट मैच में यहाँ पर 41 नॉट आउट रही थी। सूजी बेट्स लंबी प्लेयर हैं, चलती हैं तो इनिंग्स ख़त्म करके ही अपनी जाती हैं पूरी। बात करते हैं नानापट कोचा रिंकू की, तो पहले मैच में कोई रोल नहीं था, दूसरे मैच में 1 कैच लिया था इन्होंने, फिर 5 रन किया, फिर 7 रन किया, और लास्ट मैच में यहाँ पर 15 नॉट आउट रही थी। सीता सतीश की बात करें, पहले मैच में 9 किया, फिर कोई रोल नहीं था, फिर उसके बाद 20 किया, फिर 24 नॉट आउट रही। तो मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया लाइनअप देख के कि तीता सतीश एक डिसेंट बैटर है, बस बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता है। तो ग्रैंड लीग में अच्छी पिक रहेंगी आपके लिए, वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी जरूर दे देना एक टीम में। मरी कोहल राइट आर्म मीडियम काफ़ी यंग प्लेयर है, और जिस हिसाब से खेल रही थी लास्ट मैच काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में कि इतना मतलब एक मैच्योरिटी के साथ क्रिकेट खेल रही है। 2 ओवर करके 1 विकेट निकाला पहले मैच में, फिर दूसरे मैच में 2 ओवर डाले, फिर 15 किया, फिर उसके बाद खिलाया नहीं गया, फिर 21 रन करके दिए। जहानरा आलम राइट आर्म मीडियम है, बांग्लादेश की बॉलर है, काफ़ी शानदार बॉलर है। पहले मैच में 4 ओवर डाल के विकेटलेस रही, दूसरे मैच में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, फिर 4 ओवर डाले विकेटलेस, फिर यहाँ से विकेटलेस। और जहानरा आलम का मेरा वैसे भी हर मैच में प्रेडिक्शन रहता ही है, ये बंदी जब भी विकेट लेगी 2-3 विकेट एक साथ लेगी। बात करते हैं काया अरुआ की, लेफ्ट आर्म चाइना मैन, इकोनॉमिकल जा रही है गाइस जहानरा आलम, बस विकेट नहीं मिल रहे हैं वो एक अलग ही है। काया अरुआ लेफ्ट आर्म चाइना मैन, 1 ओवर डाला पहले मैच में, दूसरे मैच में 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला है। अंजू गुरुंज ने देखो 2 ओवर डाले पहले मैच में, फिर 3 ओवर डाल के 1 मीडियम ओवर डाला उसमें से बहुत शानदार, फिर उसके बाद 4 ओवर करके 1 विकेट निकाला है, और लास्ट मैच यहाँ पर विकेटलेस गई थी। सोनारी टिपोश देखो, पहले मैच में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला है, दूसरे मैच में खिलाया नहीं गया, फिर 4 ओवर डाल के विकेटलेस नहीं और 14 रन किए, लास्ट के मैच में यहाँ पर 1 विकेट इन्होंने निकाला है। और वो भी किसका निकाला था, 1 विकेट ग्रेस हैरिस का, जो कि इनको पहले ग्रेस हैरिस ने 1 6 मारा, बाउंड्री के पास गया, कैच हो रहा था लेकिन वो कैच हो नहीं पाया, 6 हुआ, दूसरा फिर से इनको 6 मारा, तो फिर इनने कहा अब मैं इसको फंसाऊंगी, फिर इन्होंने डायरेक्ट बॉल डाली और क्लीन बोल्ट हुई यहाँ पर ग्रेस हैरिस। मरीना लैम्पलॉक पहले मैच में 4 ओवर डाल के विकेटलेस, दूसरे में भी 4 ओवर डाल के विकेटलेस, तीसरे में कोई रोल नहीं था ना बैटिंग से ना बॉलिंग से, और लास्ट के मैच में यहाँ पर 1 विकेट इन्होंने निकाला है। क्रिस्टिना कॉक लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, पहले मैच में कोई रोल नहीं था, दूसरे मैच में 1 ओवर इन्होंने डाला है। गुंजन शुक्ला का एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, पहले मैच में 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 2 ओवर डाल के विकेटलेस रही, फिर यहाँ पर 2 ओवर डाल के विकेटलेस रही, और फिर यहाँ से 2 विकेट निकाले। तो कह सकते हैं हर मैच में इनके 2 ओवर तो फिक्स है, और उसमें 1-2 आपको विकेट भी निकाल के दे देती हैं। तो गाइस ये थे इनका कुछ प्लेयर्स का वेन्यू का परफॉर्मेंस। बात करते हैं गाइस ग्रैंड लीग के लिए आपके कैप्टन वाइस कैप्टन, स्मॉल लीग के लिए, तो सबसे पहले देखो स्मॉल लीग में आपको डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन सबके कौन मिलेंगे। स्पिरिट की तरफ से सोफिया डंगली दिखेंगी, सोफी एक्लिस्टन कैप्टन दिखेंगी आपको, ठीक है, और इनकी तरफ से और कोई ऑप्शन है नहीं, जो निकोला कैरी को भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी लोग देने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ से फाल्कोंस की तरफ से, तो स्मॉल लीग में गाइस आपके लिए डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चमारी अतापतु रहेगी, ठीक है, और यहाँ से कोई किसी और को तो देगा नहीं स्मॉल लीग में, मुझे लग रहा है बहुत सामने वाली टीम के अच्छे खासे ऑप्शंस अपने पास हैं।
बाकी गाइस देखो ग्रैंड लीग में आपको क्या करना है, मैंने बताया तीर्था सतीश को कैप्टनसी देना, सूजी बेट्स को देना, डैनी वेट को देना। ये गाइस क्या है, ओपनर्स हैं, कभी कभी ओपनर्स ही खत्म कर जाते हैं पूरा मैच, तो इन सबको ज़रूर देना आप। वहाँ से गाइस बॉलर्स में आप जहानरा आलम को कैप्टन वाइस कैप्टनसी ज़रूर दीजिएगा, और इनकी तरफ से गाइस बॉलिंग में आपको खाका को कैप्टन वाइस कैप्टनसी देनी है, और यहाँ से सोफिया क्लिस्टन तो फिर डिफॉल्ट है ही है। बिस्मा मारूफ को भी ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, एक दो विकेट गिरता है सो ये तुरंत आ जाती हैं। तो गाइस ये थे कुछ पिक्स, होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी और आपके बहुत सारे काम में आएगी। यहाँ से गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। गाइस आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है @bestfantasytips TIPSS, ये गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर गाइस आपको चाहिए स्मॉल लीग की टीम्स, IPL हो गए, फेयर ब्रेक हो गए, आयरलैंड ODD भी चालू हो गया आज से, अगर आपको स्मॉल लीग्स की टीम चाहिए हमारी, तो आप हमें @BFTFamily पर एक मैसेज कर सकते हो, हम एक छोटा सा सर्विस चार्ज लेते हैं, और हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिनको हम डेली अच्छे से अच्छा काम देते हैं। उसमें गाइस हम एक्सचेंज 22 के प्रॉफिटेबल पिक्स भी देते हैं, क्रिक क्वाइड्रो के पिक्स भी देते हैं, और कुबेरा डुओ के भी गाइस हम पिक्स देना शुरू करने वाले हैं। प्लस स्मॉल लीग टीम जो होती है वो हमारी मेन होती है, हम कभी ग्रैंड लीग के नाम पर लोगों को लूटते नहीं है कि भाई हम ग्रैंड लीग आपको जिता के देंगे, ग्रैंड लीग आपको कोई नहीं जिता सकता, अगर कोई कहता है तो गाइस वो फ्रॉड है, उसको पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम काम करते हैं स्मॉल लीग का, जहाँ पर आप डेली प्रॉफिट निकाल सकते हो, और आपको इन्वेस्टमेंट से लेके हर चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। तो अगर आपको टीम्स चाहिए या कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए तो मुझे @BFTFamily के ऊपर मैसेज कर सकते हो। आप चाहते हो रिजल्ट देखना हमारा तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप सर्च कर सकते हो @BFTFamily, आपको वहाँ पर हमारे सारे रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। अभी मैं कुछ दिन से वहाँ पर एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है मैं वहाँ पर सारे रिजल्ट्स अपने लेटेस्ट रिजल्ट जितने भी हैं वो सारे वहाँ पर डाल दूंगा। तो ये काम आप लोग करना, अगर आप चाहते हो टीम्स के लिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो BFTFamily को। थैंक यू।